सर मेरी तरफ से तो ओके है, आप देख लें सर। हाँ हाँ ठीक है, मुझे ईमेल कर देना, बाद में देखें। ठीक है सर। सुनो वो जी बिलाल को भेजो मेरे पास। जी सर। और उसको कहना कि अभी और इसी वक्त आए मेरे पास। जी सर। और वो जो फाइनेंस का लड़का है सफदर, उसको भी भेजो। जी सर भेज। क्या जी सर करी जा रही हो, भेजो ना उनको मेरे पास। थैंक यू सर विष्णु, कमाल सर मुझे कभी नफ्सियात ही लगता है छोटे छोटे इंसान। पहले वो सदीकी के घर के पीछे पड़े हुए थे, फिर उसी पे मेहरबान हो गए और अब उसके दामाद के दुश्मन बन गए हैं। यार मेरी समझ से तो बाहर है यार, ये सर अजीब आदमी है। कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, अजीब आदमी है यार। चलता क्या है इसके दिमाग में दादा? शानी भाई आपको अब्बा बुला रहे हैं। क्यों? एक तू रुक, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। मुझे क्यों बुला रहे? पता नहीं। क्या पता नहीं, पता नहीं है। बात ये क्या? पता नहीं। तुझे कुछ पता भी है? शानी भाई आपने कुछ किया है क्या? मेरा मतलब है कोई गलती वलती हो गई है तो पागल है क्या? काका चुनना लगता हूँ मैं तो, गलतियां करता फिरूंगा। तो फिर आप डर क्यों रहे अब्बा जी के बुलाने पर? मैं डरता वरता नहीं हूँ बस। अच्छा अगर डर नहीं लगता तो फिर चले। अब यार उनकी पंचायत से जरा जान जाती है, ड्रैग करते हैं अब्बा को। चल मिसल मॉल, आपको कमाल सर बुला रहे। अच्छा ठीक है, आप उनसे कहें कि मैं आ रही हूँ, ये कंप्लीट कर लूँ बस। कमाल सर ने कहा है आप उनसे अभी मिले, कुछ अर्जेंट है। अच्छा ठीक है। शादी पर इतना खर्चा कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? मेहनत की कमाई इतनी तेजी से नहीं आती, खून पसीना एक करना पड़ता है, हड्डियां घिस जाती हैं, बूढ़ा हो जाता है तब जाके एक एक पैसा इकट्ठा करके कुछ करता है। शाहजहान मुझे सच सच बताओ ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन सा काम करते हो तुम? अब्बा जिनके लिए काम करता हूँ उसी सेठ ने दिया मुझे शादी की शॉपिंग के लिए। आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद फोन करके पूछ लेना कमाल साहब से। हमने इतना अर्सा लोगों के साथ काम किया, हम पर तो कोई सेठ मेहरबान नहीं हुआ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है अब्बा? अपने अपने मिजाज, अपने अपने नसीब की बात है ना, आपने नहीं बना कर रखी होगी किसी सेठ के साथ। मैंने हमेशा हक हलाल की कमाई खाई है, चापलूसी करना मेरी फितरत नहीं है और ना ही कभी मालकान के आगे हाथ फैलाया मैंने। तो आपको लगता है मैंने हाथ फैलाया? मैंने मांगा उनसे? नहीं मांगे अब्बा, अपनी मर्जी से दिए हैं। हाँ सही कह रहे हैं, वो देखे ना कितने सालों से वहां पर काम कर रहा है और लाखों का लेन देन इसी के तो हाथ में है, बहुत एतमाद करते हैं वो उस पर। आजान हो रही है शाहजहां। झूठ मत बोलना, मुझसे नहीं अल्लाह से डरो। हलाल थोड़ा सा भी होता है ना उसमें बहुत बरकत पड़ जाती है, और हराम जितना भी ज्यादा वबाले जान बन जाता। आप हलाल हराम कहां से आ गया बीच में? मैं सच कह रहा हूं, उन्होंने अपनी खुशी से दिया मुझे। क्या यार अम्मा, इतने सवाल इतना शक यार, पुलिस में होना चाहिए था अब्बा को। अच्छा यार छोड़ो ना यार। आई लाइक दिस।
हैप्पी बर्थडे अनमोल, ये मेरी तरफ से आपका बर्थडे है। सर आपने मुझे विश कर दिया था, मेरे लिए वही बहुत है। इस गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है सच में। ऐसी बातें कर, बर्थडे हो और गिफ्ट ना मिले मजा तो नहीं आता। मगर सर, अरे प्लीज, आई इंसिस्ट। बल्कि मैं सोच रहा हूं कि आज रात को कहीं डिनर पर चलते हैं, आपकी पसंद की जगह पर। I'm so sorry, sir. Actually, आज पुपुर सारे मारे हैं घर में ही बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो सारी फैमिली एक साथ होगी तो आज तो पॉसिबल नहीं है। As you wish. कोई बात नहीं, फिर किसी दिन चलेंगे, लेकिन डिनर पे जाना लाजमी, आपकी बर्थडे है, सेलिब्रेट करना चाहिए। चाय कैसी बनी है? तुम्हारी हाथ की चाय अच्छी ना हो ऐसा हो सकता? आप ही? कमाल साहब ने तो आपको कोई अच्छा ही गिफ्ट दिया है। पता नहीं, शायद कोई वॉच वगैरह होगी। वॉच तो नहीं लग रही मुझे, इम्पोर्टेड पेन लग रहा है। भाई खोल के देख लो क्या है इसके अंदर, पता चल जाएगा। खोल लो। पुप्पो क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? नरगिस आंटी की तबीयत खराब हो गई थी तो वो वहां गई उनसे मिलने के लिए। हो सकता है कि कल आ जाए वो यहाँ पर। अच्छा, ये क्या हरकतें कर, क्या करो, खुल ही नहीं रहा, इतने सारे टेप लगे। अरे भाई आराम से खोलो, खुल जाएगा। अभी रुके, मैं खोल के दिखाते हैं। Oh my God, आपी, ये तो कोई ब्रेसलेट है, डायमंड का लग रहा है। दिखाओ। आपके बॉस ने आपको बर्थडे पे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई किसी को इतना महंगा गिफ्ट भी देता है। Very nice. प्यारा है।